नमस्कार, इंडियन फूड लक्ष्मी की रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस, 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। मेरे पास 0 नंबर कान्हा जी हैं, उनकी मैं गर्मी की ड्रेस बना रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी गर्मी तो पड़ने लगी है। तो मैं मार्केट से तो लेके नहीं आती, मैं खुद ही बनाती हूँ अपनी कान्हा जी के लिए गर्मी की ड्रेस। और यहाँ मैंने एक कपड़ा लिया है, आपकी किसी भी सूट में से बच जाए या कुछ भी है उसमें से आप ड्रेस बना सकते हो कान्हा जी की। ये सूट का कपड़ा है, उसमें से बचा हुआ है। तो मैंने एक कान्हा जी की मैं ड्रेस बनाना बताऊंगी आपको। और यहाँ मैंने लिए प्लेन लेस, क्योंकि ज़्यादा हैवी लेस तो गर्मी में चुभती है कान्हा जी को, तो इसलिए मैं प्लेन लेस लूँगी बिल्कुल एकदम ऐसे वाली, दिख रही होगी आपको ऐसे वाली। ये कान्हा जी को चुभेगी भी नहीं और अच्छी भी लगेगी और आरामदायक रहेगी गर्मी में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पट्टी बना ली है, ये मैंने पट्टी इंची टेप से काट के बनाई है। ऐसे में मैंने 2.5 इंच लिया है और ऐसे में मैंने इसको सत्रह इंच लिया है। तो आपके, अगर आपके कान्हा जी की ड्रेस है आपके पास, तो आप क्या करें, ऐसे इसकी चौड़ाई नाप लें ऐसे करके, तो इतनी ही चौड़ाई ले ले, इससे थोड़ी सी बढ़ के ले ले, क्योंकि थोड़ा सिलने में जाएगी। और यहाँ ऐसे ऐसे करके खींच खींच के ऐसे 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 करके इसकी आप लंबाई नाप लें ऐसे ऐसे करके, और आपके कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल सही बनेगी। और मैंने यहाँ काट ली है लंबी पट्टी एक, और अब मैं बताऊँगी आपको मैं कैसे बनाती हूँ कान्हा जी की गर्मी की ड्रेस। और मैं सुई धागे से बनाऊँगी, अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से बना सकते हो, मैं यहाँ सुई धागे से बनाऊँगी। बिल्कुल हल्का कपड़ा है, बिल्कुल पतला बनाना बताती हूँ मैं आपको, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। हमें करना क्या है, मैं यहाँ पर लेस लगाऊँगी पूरा सीधा करके, ऐसे 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 करके मैं पहले पूरी पूरी पट्टी में यहाँ तक ऐसे करके मैं लेस लगा लूँगी। आप अपनी पसंद से भी लेस ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। मेरे पास यहाँ पिंक थी तो मैंने यहाँ पिंक लगा दी। तो यहाँ मैं पहले पूरी लेस लगा दूँगी फिर बताती हूँ हमें क्या करना है। लेस एकदम से ऐसे नहीं लगाना, मैं यहाँ ऐसे मोड़ के और यहाँ ऐसे करके लेस लगाऊँगी, यहाँ लगा दूँगी मैं टाँके, मजबूत कर दूँगी, क्योंकि शुरू में ही मजबूत हो जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं। तो यहाँ मैं मजबूत कर दूंगी पहले शुरू में ही। मैंने यहाँ इसको मजबूत कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इसको ऐसे लगाते हुए चली जाऊँगी। यहाँ ऊपर मैं थोड़ा कम निकालूँगी, नीचे मैं ज़्यादा करूँगी ऐसे। ऐसे करते हुए मैं पूरी पट्टी ऐसे करके मैं पूरी लेस लगा लेती हूँ। यहाँ मैं लगा रही हूँ, यहाँ तक लगा ली है मैंने। बस इधर पास से आपको लेना है, इधर से थोड़ा दूर से आप ले सकते हो। मेरे पास मैं थोड़ा मैंने ये धागा लिया है पिंक इसी कलर का, इसलिए दिखेगा पिंक लेस पे, इसलिए मैं इधर से थोड़ा कम, देखो मेरा दिख नहीं रहा है धागा बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसको यहाँ पास में ही से करूँगी और इधर दूर से करूँगी पीछे से, तो इससे हमारा धागा भी नहीं दिखेगा और सिल भी जल्दी जाएगी। यहाँ मैं पूरी आपको सिल के दिखाती हूँ, यहाँ मेरी पूरी लास्ट लग गई है लेस। यहाँ लास्ट में मैं ऐसी मोड़ के कर दूँगी, मोड़ने से थोड़ी सफाई सी दिखती है, निकलती भी नहीं है लेंस जल्दी से। तो यहाँ मैं लगा दूँगी टाँग के, यहाँ मेरी लेंस लग गई है बिल्कुल, पूरी पूरी पट्टी में मैंने पहले ही लेंस लगा ली है। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मुझे ये करना है, ऐसे लेके ध्यान से देखना आप, ऐसे करके यहाँ लेना है, मैं इसको मैं सिलूंगी, इस जगह को मैं सिलूंगी,
फिर मैं ऐसे अंदर की साइड लूँगी, फिर ऐसे करके, फिर अंदर की साइड ऐसे करके वो अपने आप घेर बनता चला जाएगा। मैं दिखाती हूँ, मैंने ऐसे लिया शुरू, पहले मैंने ऐसे लिया, ऐसे यहाँ मैं टांका लगा दूंगी, इस जगह लेके ऐसे, ऐसे करके मैं टाँका लगा दूंगी। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं ऐसे लूँगी अंदर की साइड करके, फिर मैं ऐसे यहाँ टाँका लगा दूँगी, ऐसे करके मुझे पूरा घेर बना लेना है सिल के। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से बना सकते हैं, मशीन से और जल्दी बन जाती है। ऐसे करके देखो घेर बन रहा है ना, ऐसे करके मैं पूरे घेर बना लूँगी। बनाते बनाते देखो घेर आते जा रहा है और मैं बनाते जा रही हूँ ऐसे करके, ऐसे करना है आपको। और यहीं के यहीं ऐसे 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 करके आपको टाँके लगा लेना है, ऐसे ऐसे करके आपका गोल घूम जाएगा, सर्कल घूम जाएगा। देखो इतना घूम गया ना लेस लग के, हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैं अभी लगाऊंगी चोली, बन गया है। अभी मैं इसको धागे को कर दूंगी यहाँ से कट। मैं यहाँ पे भी लेस लगा दूंगी ऐसे करके मैंने यहाँ जोड़ दिया है। अभी पूरा सिल लूंगी यहाँ तक और इधर भी लगाऊंगी। मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, इधर से तो मैं ऊपर से कम ही लूंगी, यहाँ से ज़्यादा लूंगी। नीचे से मैं सिल के दिखाती हूँ पूरी आपको, यहाँ तक मैंने लगा लिया। अब इसको कर दूंगी मैं कट और इसको मोड़ दूंगी, इसको ऐसे करके मैं मोड़ दूंगी और टाँका लगा दूंगी यहाँ पर तो मज़बूत। एक साइड लगा ली, इस साइड और लगाती हूँ मैं ऐसे ही। मेरा सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर की चोली बनाऊंगी कान्हाजी के लिए। मैं बनाती हूँ चोली के लिए, हमें क्या करना है, जो चोली है ना हमारे कान्हाजी की ड्रेस की, हम वहाँ से लेके ऐसे करके नाप लेंगे। जितनी हमारी चोली की लंबाई है उतनी हम ले लेंगे, यहाँ 3 इंची है, मैं थोड़ा कम ही लूँगी क्योंकि मेरे छोटे का नाजी बड़ी हो जाती है। और यहाँ 1 इंची है तो मैं 2.5 इंची लंबाई और 1 इंच चौड़ी काटूँगी पट्टी इसके लिए। तो यहाँ लिया मैंने कपड़ा, तो इसी में से मैं काटूँगी। मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ 2 पट्टियाँ काट ली हैं। अभी मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे करके सिलूँगी, इधर से ऐसे मोड़ के दोनों पट्टियों को मैं ऐसे करके सिल लेती हूँ। यहाँ मैंने पट्टी बना रही हूँ और इसमें मैं पूरा सिल लूँगी, दोनों पट्टियों में ऐसे करके लेस लगा दूँगी, बहुत सुंदर लगेगी लेस लगाने से। मैंने यहाँ 2 पट्टियाँ बना ली हैं और इसमें लेस भी लगा लिया। अभी क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ दूँगी, इतना आप देख लो कान्हा जी का कितना आपकी ड्रेस में जुड़ा हुआ है, तो उतना ही मैं इतना जोड़ दूँगी। और जो थोड़ी सी लेस बच गई थी उसकी मैंने फ्लावर से काट काट के वो मैं यहाँ ऐसे करके लगा दूँगी तो बहुत सुंदर लगेगी ड्रेस। अभी मैं इसको जोड़ती हूँ यहाँ से, यहाँ मैं जोड़ दूँगी, यहाँ मैंने आगे मजबूत कर दिया है जोड़ के। अभी मैं यहाँ तक सिल लेती हूँ। इसे सिल के ले जाऊंगी मैं, यहाँ मैंने जोड़ लिया, धागे को कट कर दूंगी। देखो जुड़ गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऐसे जोड़ना है अपनी ड्रेस को ऐसे। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से ऐसे जोड़ के सिलती जाऊंगी, ऐसे हो जाएगी। ये सामने वाला हिस्सा बिल्कुल एकदम यहाँ आना चाहिए, यहाँ ऐसे आना चाहिए, तभी ड्रेस आपकी सही बनेगी। एकदम ऐसे आना चाहिए इस टाइप से। मैं यहाँ करके यहाँ से जोड़ दूंगी, उल्टा सीधा देख लेना, नहीं तो आप उल्टा जोड़ दो। ऐसे जोड़ के मैं ना ऐसे इस टाइप से आ जाएगी।
जो कि दिखाते हैं। हमारी ड्रेस देखो बनके तैयार हो गई है बिल्कुल, और अभी बस ये लगाना बाकी रह गए। ये मैं ग्लू गन से लगाऊंगी, अगर आपके पास कोई भी वो ट्यूब है तो उससे भी चिपका सकते हैं। मैं यहाँ ग्लू गन से लगाऊंगी और ड्रेस बहुत सुंदर बनी है। यहाँ मैं ये चिपका दूंगी इससे थोड़ा हल्का हल्का लगा के ऐसे, ऐसे चिपका दूंगी। सारे मेरे कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है बिल्कुल। अगर मेरे कान्हा जी की ड्रेस आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच जाए। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताना मेरे कान्हा जी की ड्रेस कैसी थी। अगर आपके घर में भी है कान्हा जी तो गर्मी के लिए बनाइए उनके लिए ऐसी ड्रेस। गर्मी में ऐसे ही कपड़े पहनाना चाहिए गर्मी कान्हा जी को। अपन को भी तो गर्मी लगती है तो कान्हा जी को भी तो गर्मी लगती होगी, इसलिए ऐसी ड्रेस बनाएं और पहनाएं।